मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि हमने बंदे को बुलाया, गिरे तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सीप बहुत बड़ा यूट्यूबर है, ये जो सीप है तो फिर क्या, तो GTA कौन देखता है यार? अच्छा भाई GTA मुझे सिग्नल तो दिखाए किस तरह यकीन बड़ा तो पीर बराज जगह आओ नजर नहीं आएंगे 78-79 नजर आ रहा है ये 78-79 बड़ा ही कोई खतरनाक तरीके से आया, चिपचिपीता है, दस एवरियन है आ गया। यानी कि ये जो है अब पाक साइड जो है वो ओके हो गई है, तो अभी वो दूसरी करनी है जो जोधियारा वाली करनी है अब। सही हो गया जी, जो रावल बुल्ड है वो बड़े ले आए हैं, ठीक हो गया। तकरीबन ये वाला साइज ले आए जो कि ये इसके अंदर जा ही नहीं सकता, तो ये वाला इस तरह का छोटा लेकर आएंगे तो तब जाकर इनका काम होगा। आज मंडे है तो ऑफिस से मैं जल्दी आ गया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कहा ज़रा जल्दी नाश्ता कर लूँ, क्योंकि हमेशा जब भी ऑफिस में आता हूँ तो नाश्ता काफ़ी लेट करता हूँ, तो आज तकरीबन 7:30 मैं ऑफिस पहुँच चुका हूँ, तो अभी 7:45 के करीब है, तो अभी नाश्ते के लिए ना कोई अच्छी सी जगह ढूँढ रहा हूँ। भी अभी मार्केट है वो सारी की सारी मार्केट बंद है, कोई एक दुकान भी जो है ना अभी तक ऑफिस वगैरह नहीं ओपन हुए हुए, ये सन्नाटा ही सन्नाटा है यहाँ पर। ये सिर्फ एक अखबार वाला बंदा आया हुआ है, बाकी ये खाने पीने वाली जितनी भी जगह सारी की सारी बंद है। सीढ़ी के मुलाजमीन सुबह सुबह आ जाते हैं तो वो जो रोड होता है उसको साफ कर रहे होते हैं, तो अभी अभी सबसे पहले यही आते हैं तो यही साफ कर रहे हैं रोड, लेकिन आपको यहाँ पर भी कोई एक भी मुझे लगता है दुकान नहीं ओपन हुई। और टाइम जो है तकरीबन आप देख सकते हैं 7:45 नहीं अभी हुए। हाँ तो नाश्ता वगैरह करके मैं ऑफिस में आ चुका हूँ, नाश्ते की मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि आपको बेतहाशा जो है व्लॉगिंग जो है फूड से रिलेटेड व्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं खाते हुए आपको दिखाऊँ कि मैंने क्या खाया है। सिंपल सा मेन्यू बता देता हूँ, मैंने पराठा आमलेट और चाय मैंने ये ऑर्डर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसको खा भी लिया और तकरीबन 200 रुपये इसका बिल बना है। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक मेरा ये है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इटली फैमिली वीज़ा को अप्लाई करने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, प्रोसेसिंग टाइम क्या है, अपॉइंटमेंट्स कौन कौन सी लेनी पड़ती है और अपॉइंटमेंट कब कब मिलती है। तो ये चार जो है मेन पॉइंट्स को मैं कवर करूँगा, आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज इस वीडियो से होगी। देखिए जब भी आपका जो भी स्पाउस होता है वो जब सेटल हो जाता है इटली में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी यही कोशिश होती है कि वो अब अपने फैमिली मेम्बर्स को पाकिस्तान से इटली में बुला ले। तो उस सिलसिले में सबसे पहले तो उसको वहाँ पर एक घर लेना पड़ता है जो कि, और उसकी जो सालाना टैक्स होते हैं कुर्ज होते हैं उसके मुताबिक वो एक घर लेता है, और जो उसकी फैमिली मेम्बर्स ने आना था उसकी मेजरमेंट्स के मुताबिक वो रेंट पर एक घर लेता है। उसके बाद वो इंक्वायरीज वगैरह होने के बाद न्यूला हौसला इशू होता है। उस न्यूला हौसला इशू होने के बाद पाकिस्तान के अंदर से फैमिली में से अगर वाइफ ने जाना है, उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, निकाहनामा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और अगर जितने भी बच्चे हैं उन सभी के बर्थ सर्टिफिकेट, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स की करेक्शंस होती है। करेक्शन कौन करता है? जिस भी एजेंट को आप हायर करते हो, कंसल्टेंट को आप हायर करते हो, उसकी ज़िम्मेदारी होती है वो A to Z डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, वेरीफाई करें, उसके बाद फॉरन ऑफिसर अटेस्टेशन करवाएं, ट्रांसलेशन, फॉर्म फिलिंग, डलेगा फिलिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन रिक्वेस्ट फिलिंग, फॉर्म फिलिंग, ये सारी करेगा तो फाइल प्रिपरेशन बन जाती है। फाइल प्रिपरेशन के बाद जो प्रोसेस आता है नेक्स्ट वो आता है अपॉइंटमेंट का। अपॉइंटमेंट जो है वो वाया ईमेल्स करंटली या VFS के ग्लोबल का जो एक पोर्टल होता है उसके थ्रू अपॉइंटमेंट्स आपको मिलती हैं।
तो अपॉइंटमेंट को अवेल जब आप कर लेते हो तो जो वाइफ होती है पाकिस्तान के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाती है एमएससी में, वहाँ पर जाकर प्रेजेंट करती है, लीगलाइजेशन फ़ीस पे होती है। करंटली जो प्रोसेसिंग टाइम है 3 वीक, 15 से 21 दिन के अंदर अंदर आपकी लीगलाइजेशन होकर वापस आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट्स वापस मिलते हैं तो उसके बाद वंस अगेन आपको फैमिली रीयूनियन वीज़े की, जो कि पासपोर्ट सबमिशन की होती है अपॉइंटमेंट, वो अवेल करनी पड़ती है। उसके अंदर जो है नोला उस्ता बहुत मैटर करता है। नोला उस्ता की जो इशुंस है वहाँ पर 6 मंथ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर 2 ईयर तक वो चलती है। तो जब वो अपॉइंटमेंट आपको फैमिली रीयूनियन वीज़े की मिल जाएगी, पासपोर्ट सबमिशन की, उसको अपॉइंटमेंट बोला जाता है। उसके अंदर आपको 116 जो है पाकिस्तानी सॉरी 116 यूरो जो है आपको पे करने पड़ते हैं, वो आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके पे करते हैं। जो करंटली प्रोसेसिंग टाइम चल रही है इटली फैमिली वीज़ा की, पासपोर्ट पर स्टिकर चिस्पा होने की, वो तकरीबन 4 से 6 माह करंटली चल रही है। 5-6 महीने पहले चले जाओ तो 10-15 दिन लगते थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस है फैमिली वीज़ा की। अपॉइंटमेंट 2 दफ़ा लेनी पड़ती है। डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशंस, ट्रांसलेशंस, मुफ़त अटेस्टेशंस, लीगलाइजेशंस वगैरह, ये सारी की सारी होती हैं। तो बड़ा सिंपल से तरीके से मैंने बड़े ही, आप कहते हैं ना, कॉमन लैंग्वेज में आपको तरीक़ाकार बताया कि आपने किस तरह जो है इस पूरे प्रोसेस को लेकर चलना है।